असल में उम्मीद करता हूँ कि सब फ्रेंड ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज के ब्लॉग में आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन में क्या करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप मेरे पीछे सामान बिखरा देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों बाहर निकाला, क्यों बिखरा हुआ है। तो चले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या काम रूम में चल रहे हैं जिसकी वजह से सामान बाहर निकला। तो चलते हैं। सबसे पहले तो ये आप रूम चेक करें, इधर रंग का सामान पड़ा है क्योंकि हम कमरे काफ़ी देर हो गई थी कलर किए हुए, चेंज कर किए हुए कलर एक ही चल रहा था तो थोड़ा सा ना अजीब लग रहा था, तो कलर चेंज करने लगे अब रूम्स का, ठीक है। तभी एक एक कोट लग गया वाइट का, बट अभी मतलब के साथ साथ काम हो रहा है, ठीक है, उस रूम में लगे हुए हैं। तो ये कुछ सीन है इस रूम का, ठीक है। बाकी आपको साथ वाले रूम में ले चलता हूँ। ये इसकी रूफ वाइट और साइड पर ग्रे है, ठीक है। तो इसका भी अभी काम होगा, आहिस्ता आहिस्ता ही है। और ये मैं वहाँ ये वाला खोल देता हूँ, ये आ गया जी बाहर का, ठीक है। तो बाहर ये येलो कलर करना है सारा। अभी ये एक और सिंगल लगाया है बट ये भी ठीक नहीं लगा, इसको भी सेट करेंगे, ठीक है। बाकी ये है तो यही कलर इसका हमने सारे फ्रंट को देना है इस चीज़ को, ठीक है। बट फिर अंदर चलते हैं हम, बाकी दूसरा आपको दिखाता हूँ कि जिस रूम में काम हो रहा है। चेक करें जी, माशाल्लाह कलर हो गया, ठीक है। ये ग्रे कलर है, इधर से हल्का सा शेड का फर्क पड़ा महसूस हो रहा होगा कि जौन सा शेड है, क्योंकि ये वाइट दीवार है, ये थोड़ी सी खुशी को खुशक हो गई है और ये भी गीली है, ठीक है। तो ये कुछ दीवार है अभी, ये ग्रे भी अभी मतलब लाइट ही किया कमरे में, क्योंकि लाइट ज़्यादा होगी तो ब्राइट ज़्यादा लगेगा, अच्छा लगेगा। इस पर एक और अभी लगना है तो ये ड्राई हो जाए फिर लगता है। बाकी छत इसकी तैयार है, ये रूम का कलर भी तैयार है, ठीक है। ये मतलब कि एक और इसका भी लगना है, एक इसके ऊपर भी लगना है। और ये सोच रहे हैं कि इसको पिंक दोबारा ही पिंक कर देते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर जोन सा इसका ये वो ग्रे कलर में कर देते हैं, बाकी अंदर से पिंक कर देते हैं दोबारा, सोच यही रहे हैं, देखते हैं हम क्या करना आगे। बाकी आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप वॉशरूम चेक कर सकते हैं, इधर आपको ग्रे सही महसूस हो रहा होगा, ये है वो और ऊपर वाइट, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अभी एक कोड लगाया इन्होंने, तो एक कोड लगाया अभी इसके ऊपर, शायद एक कोड और लग जाए फ्रेश करने के लिए इसको फाइनल कोड, क्योंकि वो टचअप वगैरह हुआ है। तो एक कोड और लग जाएगा तो ये भी गुड हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा ये खिड़कियाँ वगैरह हैं इसके ऊपर, ये कोड लग गया बट ये सफाई वगैरह करने वाली, ये भी करते हैं। और आपको मैं दूसरा कमरा चेक करवाता हूँ अभी, रोटी वगैरह भी खा रहे हैं, इसके ऊपर भी एक कोड लग गया है, ठीक है। दूसरा कमरा मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी, वो सारी रोटी खा रहे हैं इधर। तो ये इस कमरे की कंडीशन है। ये देख चेक कर सकते हैं रोटी खा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर वाले पोर्शन का कलर, यहाँ का कलर हो गया हुआ है, ठीक है। ये नीचे दोबारा इसी तरह के बना, इसलिए ये यहाँ तक छोड़ दिया है। तो ये कलर हो गया हुआ है अभी तक, ये चेक करें माशाल्लाह, ठीक है। वो वाली सामने वाली वॉल रहती है जौन सा हुआ है, क्योंकि दो दिनों में कलर हुआ है। ये वाला जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये भी हो गया, ये सारी वॉल हो गई है ऊपर तक, ठीक है। ये सारा चेक कर सकते हैं आप। दरवाज़ा अभी तैयार होने वाला है, ये चेक करें, ठीक है। और ये ग्रेस वॉल लगा रहे हैं, ठीक है, ये पूरी लगनी है बट ख़त्म हो गई थी, जो उनसे अर्जेंट दो मिले थे तो दो ले आए, ये कलर यही वाला चाहिए था तो इस वजह से दो भी ले आए, और बाकी तीन को और चाहिए थे तो वो ऑर्डर कर दिए हैं, तो वो इंशाल्लाह संडे को या मंडे को आ जाएंगे तो वो कर देंगे, ठीक है। ये भी दीवार कलर हो गई है, मैं लाइट जला के ना तो आपको सही तरह दिखाता हूँ, ये चेक करें आप। ये भी माशाल्लाह दीवार कलर होगी वाइट, ये भी दीवार कलर हो गई है और ये भी हो गया, ठीक है। और आपको मैं अब गैलरी की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। ये कुछ गैलरी है, ठीक है, ये कलर हो गया इसको।
पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई तेज़ कलर था, अब इसको हमने लाइट किया तो ये कुछ हो गया इसके अंदर। ठीक है, फिलहाल हमने जो सा सामान अपना है ना जो बाहर निकाला सारा इस कमरे में रख दिया, क्योंकि ये कमरा माशाल्लाह हमारा तैयार था। तो अभी तो आपको कलर में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा होगा कि सारा सेम ही है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये वाइट ही कलर है, बट ये थोड़ा सा ना सूखने वाला है, जब ये सूख जाएगा तो फिर ये इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, जब सूखेगा ना ये इस तरह का अंदर से निकल आएगा वाइट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, बाकी ये आप चेक कर सकते हैं, और ऊपर से रूफ वाइट है। बाकी साथ वाला कमरा आपको मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर और सामान वगैरह पड़ा है, ये चेक करें माशाल्लाह। ठीक है, ये कोई इस तरह का इसका हिसाब किताब है, इस तरह का हिसाब किताब है, 2 दिनों में ये हुआ है अभी, बाकी काम साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चल रहा है। ठीक है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको तो पता है कि जैसा काम हो ये काम के अंदर मूवी बनाना है वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, इतनी देर के लिए खुदा हाफिज़।